नमस्कार मित्रों, पीपल की पूजा के फायदे और पीपल की पूजा के नियम में आज हम शुक्रवार को पीपल की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो पीपल की पूजा सुबह कितने बजे करनी चाहिए, एकादशी के दिन पीपल की पूजा करने का क्या महत्व होता है, तथा विशेषकर शनिवार को पीपल की पूजा कब करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीपल की पूजा के संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा विष्णु जी के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम कहाँ रहे। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रा और लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान की। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में रहने लगी। विष्णु भगवान की ओर से उन्हें यह वरदान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी। ज्योतिष दृष्टि से देखे तो पीपल का संबंध शनि से माना जाता है। शनि देव की पीड़ा को शांत करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान भी बताया गया है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने से और साथ में दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया के चलते पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसकी परिक्रमा करने के साथ ही शनि की पीड़ा को झेलना नहीं पड़ता। वहीं पीपल का वृक्ष लगाने से शनि की असीम कृपा प्राप्त होती है। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। अब हम आपको पीपल की पूजा के नियमों के बारे में बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमेशा सूर्य उदय के बाद ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा सूर्य उदय से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय से पहले पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी माना जाता है। ऐसे में अलक्ष्मी की पूजा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए सूर्य उदय से पहले न तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और न ही इस पेड़ के पास जाना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में यह शंका जरूर होती है कि शुक्रवार को पीपल की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पीपल की पूजा के लिए कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ माने गए हैं। पीपल की पूजा के लिए सप्ताह के 6 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को जहां शुभ और पुण्यदायी माना गया है, वहीं रविवार के दिन उसकी पूजा करने पर दोष मिलता है। रविवार के दिन पीपल पर माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रा का वास होता है, जिसके कारण इस दिन पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है और उन्हें हर समय पैसे का संकट बना रहता है। और यदि आप पीपल की पूजा करते ही हो तो आपके मन में ये भी जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होगी कि पीपल की पूजा के क्या फायदे होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए इस वृक्ष को धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है और इसका विधिवत पूजन आरंभ हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर उसकी परिक्रमा करने से मानव की आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति इसके वृक्ष पर जल समर्पित करता है उसके सभी पापों का अंत होकर वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं को पीपल के वृक्ष के समान ही घोषित किया है। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें त्रिदेव निवास करते हैं।
जिसकी जड़ में श्री हरि विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्र भाग में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल वृक्षों में अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से क्रमशः धन, उत्तम संतान, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अलावा पीपल में पितरों का वास भी माना गया है। सब तीर्थों का इसमें निवास होता है, इसलिए मुंडन संस्कार पीपल के नीचे करवाने का विधान होता है। पीपल की छाया, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसके पत्तों की माला को शुभ कार्यों में द्वार पर लगाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि पीपल की पूजा के लिए कौन सा समय शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की पूजा हमेशा सूर्य उदय के बाद ही करनी चाहिए। कहा जाता है, जो व्यक्ति पीपल की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही शत्रुओं का भी नाश होता है। इसकी पूजा करने से ग्रह दोष बाधा, काल सर्प दोष, पितृ दोष भी शांत रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि एकादशी के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि एकादशी के दिन पीपल की पूजा का भी खासा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है, फिर व्रत पूजा और श्रद्धा अनुसार दान का संकल्प किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फिर पीपल पर जल चढ़ाकर पूजा की जाती है और घी का दीपक लगाकर उस पवित्र पेड़ की परिक्रमा करते हैं। ज्येष्ठ महीने की एकादशी पर पीपल पूजा की परंपरा है। इस दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं। बताया जाता है कि सुबह सुबह पीपल पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, इसी कारण इसकी पूजा करनी बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। पीपल की पूजा करने से कुंडली में शनि, गुरु समेत अन्य ग्रह भी शुभ फल देते हैं। पीपल की पूजा करते समय पीपल पूजन मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें, आरती करें, प्रसाद अन्य लोगों को बांटे और खुद भी ग्रहण करें। पीपल को चढ़ाए हुए जल में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर पर आए और घर में इसे छिड़के। इस प्रकार पीपल की पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है तथा धन लाभ के योग बनते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।